हमें 30 दिन हो चुके हुए हैं तमाशा देखते हुए, और तमाशा वाकई ही तमाशा है। फाइनली एपिसोड के एंड में आज हमने तीसरे दिन 30वें दिन का एपिसोड देखा है, और एपिसोड के एंड में बादशाह सलामत बोल के गए कि हमारे हर दिन के एपिसोड में कोई ना कोई सीख होती है, हर टास्क में कोई ना कोई सीख होती है। और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हर चीज़ में कोई ना कोई सीख होती है। मैटर ये करता है कि आप उस टाइम किस क्लास में बैठे हो, ठीक है? अगर आप नर्सरी क्लास में तो उस लेवल की टीचिंग मिलेगी, अगर आप ए लेवल ओ लेवल्स कर रहे हो आपको उस लेवल की टीचिंग मिलेगी, आप यूनिवर्सिटी में आपको उस लेवल की टीचिंग मिलेगी। तो हर बंदे की क्लासेस तो एवर रेडी हर टाइम चल रही होती है, लेकिन उसको उस वक्त क्या टीचिंग मिल रही है। जैसे कि मुझे आज के एपिसोड से ये टीचिंग मिली और मुझे पहले से पता है, लेकिन वो रिमाइंडर हो जाता है ना, एक रिवाइज जो करता है बंदा वो हो जाता है कि म्याना रवि कितनी मैटर करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। म्याना रवि का बेसिकली इस एपिसोड से क्या ताल्लुकात हैं। जब भी किसी को ताकत शोहरत इज्जत दौलत पैसा ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो या तो वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है या बहुत ही नीचे चला जाता है। एक्सट्रीम और उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ये मैटर नहीं करता कि वो नशे में कर रहा है एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। एक इमोशंस को एक्सट्रीम फील करना भी एक्सट्रीम है, बिल्कुल फील ना करना भी एक्सट्रीम होता है, ठीक है? जैसे कि अब मैं आपको सबकी वजारतों के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक दे दूं। नुमान ने वजारत की, बहुत काम रिलैक्स वजारत थी उसकी, ठीक है? वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, जिस तरह का वो बंदा हमें आज तक दिख रहा है वो वही बंदा था वजारत के दौरान भी। बस सिंपल सी बात यह है कि क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था तो वो बात कर रहा था सबके साथ, ठीक है? एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी का जो हक अदा कर रहा था वो कर रहा था। सेम विद अयाज, अयाज भी सेम था। अयाज हमें दिख रहा है कि वो दानिया और साइमा को हर बात पे ही मना रहा होता है, उनके नीचे लग जाता है, क्योंकि औरतों से हर कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा होता, क्योंकि औरतें एक कार्ड होता है उनके पास, नहीं नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं, नहीं शिनाख्ती कार्ड, भाई क्या हो गया है, एक कार्ड होता है उनके पास जो वो चला देती हैं कभी कभी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी भी गंदी बातें सोचने लग जाती है वहाँ, एक कार्ड होता है उसको वो यूज़ कर लेती हैं, ठीक है? तो कुछ लोग उनसे मुकाबला नहीं करना चाह रहे होते, सही है? तो इसी तरह का हमें जो वजारत देखने को मिली वो तीसरी वजारत जो के थी अरसलान की। अरसलान ने स्टार्टिंग में बोल दिया था मेरे से कोई पंगा लेगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो काम। उसकी वजारत साइमा उसको उंगली कर रही थी, वो उसको जवाब दे रहा था, बाकी सबके साथ उसकी वजारत अच्छी जा रही थी। जब उसका दिल करता था किसी को अंडर द बस फेंकने को, अपने दोस्त को फेंकता था, सिंपल इज दैट, इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म नहीं कर रहा था कहीं भी। अकील की वजारत आई, बेचारे को एक दिन की वजारत दी जो कि उसने बहुत अच्छी हैंडल की, सेम उसके बिहेवियर में कोई हमें उतार चढ़ाव नहीं दिखा। कट टू वजीहा, वजीहा बॉसी एटीट्यूड हमें देखने को मिला, वो स्ट्रिक्टनेस की एक्सट्रीमनेस पे चली गई, ठीक है? जो चीज़ ना तो रिलीजन में मैटर, रिलीजन में अलाउ है, और एक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, एक लिमिट्स मेंटेन रखनी चाहिए, ठीक है? लेकिन वजीहा ने उनको क्रॉस किया बहुत बार, मिसबिहेव करके, थोड़ा रूड हो के, बॉसी हो के। कट टू अब आते हैं हम दानिया के ऊपर। दानिया परसों रो रही थी मुझे घर जाना है, ठीक है? नहीं गई घर, वजारत मिल गई। अब वो कितना स्वीट एक्ट कर रही है सबके साथ। वजीहा यहाँ गई थी, ये यहाँ गई है, समझ रहे हो? स्वीटनेस का एक्सट्रीमिज्म इसने अपनाया है। ये दोगली पर्सनैलिटी की निशानी होती है, ये निशानी होती है सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की, कि मैं अब इनको ना, नहीं ओवर स्मार्ट होने की, कि मैं इनको मीठा बन के मैं कंट्रोल कर लूंगी। और जो जिसको कंट्रोल नहीं करना उसके साथ कैसा बिहेवियर है, एपिसोड के स्टार्ट में आपने देख लिया अनम के साथ वो किस तरह का बिहेवियर कर दी, मुझे नहीं करनी बात, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। ओ भाई वो तुमसे एक बात करने, मुझे पता है अनम भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसको बस हर जगह से मिर्च चाहिए होती है, उसको मजा लेने आना होता है, और वो पहुंच जाती है, भले वो मजा ले रही है, लेकिन तुम वजीर हो, तुम एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करो, ठीक है? अनम आई है उसके साथ चढ़ी, मुझे बात नहीं करनी, अब मैंने बात नहीं, भाई बात ना करने पे क्या, मतलब मुझे समझ नहीं लग रही थी इस टाइम में जो बिहेव कर रही थी दानिया अनम के साथ, ठीक है? जिसके बाद उससे पहले की बात है कि वो जैसे ईमान को बड़ा मीठा बन के बोल रही थी, ईमान मैं ना तुम्हें एक ड्यूटी देती हूँ, जैसे तुम्हारी आज कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है? तो जब भी कोई ड्यूटी कोई गलत चीज़ कर रहा हो ना तो मुझे बता देना, ताकि
ताकि मैं उसको ना फिर हम उसको सॉल्व कर लें। वो मीठा बन रही थी उसके साथ उस टाइम पे। ठीक है, खैर अब हाइलाइट्स के ऊपर बात कर लें अगर, तो शहरी की बर्थडे थी और शहरी की बर्थडे पे शहरी की बेगम आई, फिर नाश्ते के लाले लगाए हुए इन लोगों ने दानिया और हुमना को बचाने की वजह से, जो कि मुझे बहुत ही सेल्फिश हो के इनको डिसाइड करना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और दानिया ऑन दी अदर हैंड वो बाज ही नहीं आती है, टास्क होने के बाद भी एंड में बोल रही है मैं पूरी टीम को मैं शाबाशी देना चाहूंगी, मैं 4 दिन हफ्ता पहले बोला था ये चीजें नहीं छोड़ती है। स्टिल हर बात पे अगर तुम्हारी सेफ होने का तुम मिस कर गई हो अयाज की वजह से, तो हर रोज थोड़ी सुनाना है, कहीं ना कहीं रोज वो टॉपिक उठा लेती है, कहीं अकेली बैठी भी टॉपिक उठा लेती है। जैसे मैं अयाज और मैं जीते थे, फिर मैं भले हम उसके बाद हार गए लेकिन मैंने उस खुशी को एंजॉय किया, तो ये उधर ही फंसी हुई है। इसने जब तक अयाज मुझे लगता है दुनिया जहाने फानी से गूंज नहीं ना कर जाएगा, तब तक उसको आखिरी बेड दैट वो बुढ़ा हो पड़ा होगा आज से 50 साल बाद, तब भी उसको कॉल गई, यार कैसे हो, मन में सोचा तुमसे हाल चाल पूछ लूं, क्योंकि सेव तो तुम कर नहीं पाए थे मुझे, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुम सेफ हो कि नहीं। पीजे था यार उधर यार, टी मतलब ये है इसका। ठीक है, खैर वो अनम वाला मामला हुआ, अनम भी कोई दूध की धुली नहीं, मैंने पहले बोल दिया उसके भी मसले मसाइल थे। लेकिन उसके बाद जब अनम अपना अनम को एक आदत है दुखड़ा रोने की, तो वो दुखड़ा रोया उसने वजीहा के सामने, जिसमें वजीहा उसको क्लियर बोल रही है तुम्हें क्या शौक होता है हर किसी से बात करने का, जिसमें अनम ने बोला कि नहीं वो मेरे से पहले बात करती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, ये था वो था। यदि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये थोड़ी कि कोई कब भी बात कर ले। अच्छा एक और चीज़ मुझे पता नहीं है क्यों फील होती है लोगों के बिहेवियर से, क्योंकि मेरे अंदर ये बिहेवियर नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे कुछ कजन हैं उनका भी यही सेम बिहेवियर होता है, सुबह उठेंगे ना एवं बिला वजह के लीचड़ मुंह बनाया होगा, ठीक है लीचड़ एवं कोई बात कर लो लड़ने को काटने को पड़ेंगे, क्या कर लिया क्या उखाड़ लिया जिंदगी में तुमने, मैं सबको बोल रहा हूँ जो इस तरह सुबह मूड स्विच करके उठते हैं, क्या तुम क्यों इतने मूडी हैं लोग, क्यों क्या पुट क्या लिया है जिंदगी में। सुबह हर बंदे कह रहा होता है यार उससे क्यों बात कर रही हूँ, उसका बात करने को दिल नहीं होगा। जैसे अनम अनम और यही वाले मामले में ना कि सब बोल रहे थे कि अनम भी बिला, ठीक है अनम बिला जाके करती है, लेकिन इस ये वाला पॉइंट के सुबह सुबह नहीं दिल होता, नुमान भी बोल रहा क्यों भाई क्यों, जो बंदे दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं ना बाहर वो सुबह भी अच्छे मूड से ही उठते हैं, तो ये जो मूड स्विच करके अपना दिखाते हैं ना कि मैं छुपाएंगे, मैं जब कुछ पुट लो ना जिंदगी में उस दिन ये मूड स्विच करना, बल्कि उस दिन आप खुद नहीं करोगे, उस दिन आप में मियाना रवि आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने बात की है कि एक चीज का मुनासिब जो तनासुब है ना वो मकदार को मेंटेन रखना होता है। सही है, टास्क बहुत जबरदस्त था, टास्क के ऊपर भी बात करेंगे। देन अकील की और जुनेद की थोड़ी सी डिबेट हो रही थी कपड़े इस्त्री करने के टाइम पे, वो सीन ये था कि अनम जो है वो हर लाइन में घुसती है, तो चीज वो अपने बिला वजह कपड़े इस्त्री करवा रही, तो अकील ने जल्दी जल्दी कर दिया। अकील तो एक तो दुनिया का सबसे बेस्ट लौंडा बनने की एक्टिंग तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन कोशिश पूरी कर रहा है, हर किसी का काम करेगा। बात उसकी सही थी कि जितना लड़ने में टाइम लगना है उतनी देर में इस्त्री हो जाना है, लेकिन अनम जो है ना वो बिहेवियर उसका यही है, वो भी हर जगह उसको एक तो घुसना होता है, देन उसके बाद उसको हर चीज में अपना फायदा देख के ना काम करवाना होता है। अकील इतने अच्छे नहीं बनते भाई मेरे, ठीक है मैंने वोट तो अकील को कर दिया है इस बार सेव करने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो। देन उसके बाद मुझे आज रियलाइज हुआ है कि मैं साइमा को चुड़ैल बोल रहा था इस घर की, लेकिन इस घर में एक और चुड़ैल भी है, वो चुड़ैल है दानिया। लुक वाइज बात नहीं कर रहा, मुझे पता है एक दो सीन में वो चुड़ैल लगी है, हम थंबनेल में वो सीन यूज कर लेंगे, बस मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि उसका जो चुड़ैली बिहेवियर है वो यूज होता है कहीं। ठीक है, देन अनम अनम के ड्रामों के ऊपर जरा बात कर लें, जो अनम सारे घर का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ खींचने की लगी हुई है, वही सेम बात जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि वो लगी हुई है कि मानी मानी ने मुझे प्रपोज कर लिया, मानी ने ये कर लिया, लोग इतना कर रहे होते हैं, अंदर से सड़ी हुई निकली। मानी ने पूछा क्या हुआ, सब वही सवाल पूछते हैं मुझसे वॉशरूम में कि तुम्हारा मानी कैसा, ये 2 दिन 3 दिन पुरानी बात है, बात कोई और करके आई है अपनी गलती छुपाने के लिए। अच्छा लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए ना कहानी को पलटाते हैं, तो बात कुछ और करके आई थी।
अंदर उधर आके ना मानी को कोई और कहानी डाली, और फिर बाद में बाहर हुमना और साइमा के साथ भी जाके वो यही बात कर ली थी कि मेरा दोस्त है मुझे, अच्छा बोल भी रही है कि मुझे इसको शहरी अच्छा, वो अच्छा लगने लग गया, वैसे क्या नाम है अकील, अकील को तो वैसे अकील का और वजीहा का तो मुझे फील होता है कुछ ना कुछ उनकी वाइब्स कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद बाहर जाके भी वही सेम रोने रो रही है कि बाहर जाके हम कर लेंगे जो होगा, ये घर वैसा नहीं है, ये घर वैसा नहीं है, ड्रामे हैं सारे इसके, सिर्फ वो फुटी लेने के लिए कर रही होती है, सही है। देन उसके बाद खाने की भूख लगी हुई थी बड़ी, टायर्ड लोगों को खाना नहीं मिला हुआ था, ठीक है। तो नुमान और आज अरसलान भी भूखे बैठे हुए थे, जिसपे बात हो रही थी कि ये दोनों मोस्टली फील नहीं करते भूख, तो वो कह रहे थे कि हमें बस कुछ खाने को मिल जाए हम खा लेते हैं, सही है। उसके बाद मीटिंग भी हुई, मीटिंग के दौरान भी ना साइमा उठ के चली गई थी, उठ के जा रही थी, साइमा का वही बिहेवियर जो वो हमेशा करती है बिला वजह के ड्रामे, टीम वर्क साइमा में कोई है नहीं। आज भी टास्क के दौरान भी वो ड्रामे कर रही थी, लेकिन चलो खैर निकल गया, अब कल फुटेगी साइमा, मैंने पहले बोला हुआ कि और आज अरसलान भी सेम बात कर रहा था कि वजारत के पहले दिनों में तुम ये होती हो, फिर 3-4 दिन बाद तुम थोड़ा डाउन होती हो, फिर दोबारा यही करती हो, सही है। अब चीज़ ये थी कि वो जब वो दे रही थी इंटरव्यू, नहीं क्या था, हाँ वो स्पीच दे रही थी दानिया, तो उस दौरान भी साइमा उठ के जाने लगी, फिर उसने बोला ईमान जी भी नहीं तो नहीं है, ईमान जी भी तो नहीं है, तो उसने बोला तुम जाओ, सही है। खैर वो पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, उसके दौरान भी अनम ने हाथ उठाया तो दानिया ने उसको बात नहीं करने दी। इसी तरह दानिया हर टाइम जब बादशाह सलामत बोल रहे थे हाथ उठा रही थी, तो जो आप मेडिसिन दुनिया को दोगे ना वो आपको रिटर्न में मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, सही है। देन उसके बाद शहरी की वाइफ आई, शहरी की बर्थडे थी, केक लेके, क्योंकि शहरी को कुछ सेलिब्रेट करने को नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद घर वाले गाना भी गा रहे थे उनके लिए स्पेशली अकील, और थोड़ा सा मानी सैड भी फील कर रहा था, क्योंकि मे भी एक चीज होती है ना, आप किसी को रिलेशन में देते हो तो आपको फील होता है कि यार मेरे पास कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है, या कोई ऐसा बंदा मेरी लाइफ में क्यों नहीं जिसको मैं ऐसे मिल सकूं या वेट करूं जिसका, जिस पे अकील ने बात बोली कि चलो अरसलान को भी उम्मीद है कोई आ जाएगा, नोमी को कॉल आ गई, मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो आ जाएगा, ये हर किसी को फील हो रहा होता है। अच्छा शहरी की वाइफ लेके आई थी केक, जो काटने नहीं काटा नहीं क्योंकि उन्होंने मी टाइम यूज किया, तो बादशाह सलामत ने बोला केक वापस ले आओ, तो केक देख के उनके मुंह के पास से ऐसे गुजर गया केक, सही है। फिर बेगम ने कुछ चीज़ें समझाई कि अपना स्टैंड लो, ये करो वो करो, उस्ताद जी बेगम भी नहीं सुननी हैगी, ठीक है बेगमा नू तो डिसाइड बहुती ही देख रही होंगी कि तुसी बहुत वीक हो, शहरी बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो, जब तुम्हें स्टैंड लेना होता तुम लेते हो, तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि मैं मुझे जब स्टैंड लेना होता है मैं लेता हूँ, अलाइंसिस की बात की तो वाकई मुझे फील होता है घर में बहुत सारे लोग हैं जो अलाइंसिस वाले हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि शहरी के तरफ से मुझे इतनी वो चीज़ फील नहीं होती, बाकी शहरी को टीच करने की कोशिश कर रही थी, औरतों की ना एक चीज़ होती है इसको मैं फिक्स करूंगी, प्रॉब्लम नहीं हुई है तो इसको मैं फिक्स करूंगी, तो लड़के को ना उसको सिर्फ समझना होता है, ठीक है, और उसकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। लड़कियों को ये नहीं चाहिए होता कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, उनको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होती है, तो शहरी ने सुन लिया। लेकिन अब इसके अगेंस्ट, इसके उल्टा, शहरी भाई अपने बिहेवियर को चेंज मत करना, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे हो और सेकंड लीड में तुम मुझे फील होते हो, तो जबरदस्त प्लेयर भी बहुत अच्छा है ये और खेलता भी बहुत अच्छा है ये। देन उसके बाद टास्क के ऊपर अगर थोड़ा डिस्कस कर लें, तो टास्क ये था कि घर के अंदर, नहीं टास्क से पहले भी सफाइयों का भी जो टॉपिक चला था कि सफाइयाँ बड़ी अच्छी हो गई हैं, जिस तरह दानियाँ पीछे पड़ी थी तो सफाइयाँ हुई, लेकिन हमें पता नहीं चला किस वक्त, ऑब्वियसली या तो किसी टाइम लॉक किए होंगे रूम वगैरह, क्योंकि मेरे ख्याल से हर रूम का एक सीक्रेट डोर भी होगा इस घर में, जैसे बेडरूम में एक एक डोर होगा, या जो भी है घर के अंदर कुछ कार्ड्स छुपाए गए थे जो इनको ढूंढने थे और उसके बदले में इनको खाने को चीज़ें मिलनी थी। अब यार ये बेसिकली ना गेम होती है हॉट या कोल्ड, जब आप किसी चीज़ के पास जाते हो तो आप हॉट हो जाते हो, जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हो तो कोल्ड हो जाते हो। इस गेम का रूल ये होना चाहिए था, क्योंकि घर बहुत बड़ा था, बचपन में हम ये गेम खेलते थे कि चीज़ छुपाई जाती है और फिर जिसने छुपाई होती है ना वो बस सिर्फ बता रहा होता है कि आर यू वॉर्म और आर यू कोल्ड, ठीक है। तो जब वॉर्म होते हो तो आप चीज़ के पास होते हो, लेकिन इतने बड़े एरियाज में 8 लोगों को डिसाइड किया गया था खेलने के लिए, जिन 8 के 8 को वो चीज़ बिल्कुल मिली ही नहीं, ठीक है, एक भी बंदे को पहले 8 को नहीं मिली, और वो 8 में
सिर्फ माही थी एक जो मुझे वो कहते हैं ना वो लसन कद्दू कद्दू प्लेयर लग रही थी, बाकी सब प्लेयर तो अच्छे थे। माही कद्दू प्लेयर क्यों है? क्योंकि माही टू बी ऑनेस्ट बॉडी शेमिंग नहीं है ये, एक एथलीट की बॉडी होती है प्रॉपर, उसके लंबी टांगे होती हैं तो वो तेज भाग सकता है, उसका वेट कम होता है तो वो जल्दी भाग सकता है। ऑब्वियसली मैं खुद एज अ गेमर हूँ तो मैं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिसाइड करता हूँ, तो माही की जो बॉडी टाइप है वो एनर्जी बेस्ड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेट भी उनका बॉडी का ज़्यादा है। एज एन एथलीट उनकी लाइफ है, उनका जिस तरह का उनको मेंटेन करना है वो करें उस चीज़ को, लेकिन एक जितनी तेज नुमान भागेगा, जितनी तेज वो भागेगा, क्या नाम है, इवन तो साइमा भी उससे तेज भाग रही, क्योंकि उसकी बॉडी टाइप वो वाली है भागने वाली। सही है। खैर हो सकता है टास्क से पहले जब लोग घर से सामान लेने आए थे तब वो कार्ड्स रख गए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता तब रखा होगा। अच्छा सामान लेने से याद आया कि खाते टाइम इन्होंने चाय नहीं पी थी, चाय इन्होंने बोला बाद में पियेंगे, और बाहर वाले आके ना जो बंदे भेजे थे वो राशन उठाना शुरू हो गए, क्योंकि डेली आपको राशन नया कमाना है, तो उन्होंने चाय के बर्तन वर्तन भी उठा लिए। अब साइमा के मुझे तरस भी आ रहा था, बेचारी सबके कपों की चाय निकाल निकाल के पी रही थी। तो इंसान को चीज़ें बहुत सीखने को मिल जाती हैं। ये वो लड़की है जो ब्रेड का कोने वाला पीस नहीं खा रही होती, और आज इस शो की वजह से उसको एक इतनी लर्निंग मिल गई है रिस्क की कि वो लोगों के जूठे कपों से चाय पी सकती है। तो इंसान बेहतरी की जानिब हर वक्त ही जा रहा होता है, और जो अल्लाह है ना वो इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, हर बंदे की क्लासेस चल रही होती है। तो हो सकता है कि जब वो इस शो से निकले तो घर जाके वो ब्रेड के वो बचे हुए पीसीस भी जैम लगा के खा लें, तो इम्प्रूवमेंट का रूम हर टाइम होता है। सही है। तो खैर खाना वाना लेके चले गए, फिर उसके बाद टास्क शुरू हुआ। टास्क के दौरान किसी को पहले नहीं मिला, हालांकि अच्छे तरीके से ढूंढ रहे थे। देन उसके बाद पहली बारी ही जिसकी आई थी मानी की, मानी ने इम्प्रेस किया, मानी ने भारी चीज़ें उठा के देखा जिसमें से गद्दे के नीचे से निकल आया। देन उसके बाद सबको फील हो गया कि भारी चीज़ों के नीचे होगा, जैसे सोफे उल्टाए उन्होंने, सोफों के नीचे पड़ा था। तो इसमें अगर वॉर्म एंड कोल्ड वाला सीन होता कि कोई बादशाह सलामत ऊपर से बोल रहे होते कि वॉर्म कोल्ड, वहाँ वहाँ पर ढूंढने लगते थे, क्योंकि एरिया भाई बहुत बड़ा है, लिविंग रूम कितना बड़ा है, बेडरूम कितना बड़ा है। अब आम एक मिडिल क्लास फैमिली का घर जो होता है ना उसमें 4 5 6, अब जैसे मेरे घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कमरे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, ओपन एरिया है। तो अब इस जगह में भी हम 1 2 कमरे डिसाइड करते थे कि इनमें चीज़ें छुपानी है, छोटे होते वो भी बड़ा मुश्किल होता था। तो एक इतना बड़ा एक जगह पे आप छुपा रहे हो, बीन बैग्स, कितने बीन बैग्स पड़े हैं घर में, किसी के अंदर भी हो सकता है फिर। तो ये चीज़ मुझे गेम मज़े की थी, लेकिन थोड़ी सी एग्जीक्यूशन उसकी अच्छी नहीं हुई, जिसके बाद दोबारा फिर दोबारा मेरे ख्याल से उन सबकी बारियां दोबारा भी आ गई थी नुमान वाली। अब नुमान का देखना ना, जब नुमान का बैग गिरा तो उसने बोला अरे मेरा बैग नहीं करो, लेकिन जब वो गया तो उसने सबके बैग उठा उठा के फेंके। तो इंसान जो चीज़ नफरत करता है ना इंसान, एक दिन वो चीज़ खुद बन जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि किसी से नफरत नहीं करो, एक दिन तुम वो ही बन जाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये होता है लाइफ में, ठीक है। अगर आपको कोई कोई नहीं ना पसंद तो आपको कोई ऐसा मिल जाएगा या मिल जाएगी सेम वही वाला, फिर आप पछताओगे। तो इसीलिए सबको रिस्पेक्ट दो, सबसे अच्छे से रहो, और किसी की कोई चीज़ के ऊपर नहीं बात करो। अब जैसे नुमान ने की, नुमान ने खुद भी जाके फौरन कर दी उसी टाइम। सही है। टास्क के दौरान खैर चीज़ें नहीं मिली, उसके बाद फिर मिलना शुरू हो गई, फिर भी 1 2 बंदों को नहीं मिली थी दोबारा भी, जैसे वजीहा को दोबारा नहीं मिली थी, लेकिन 4 टोटल कार्ड इन्हें मिल गए थे। फिर बाद में और कार्ड दिखाए गए कहाँ कहाँ छुपाए हुए थे, उनमें से 2 कार्ड इनको और लाओ के, जिसमें उन्होंने चावल और दाल डिसाइड किया, जिसके लिए एक और 15 मिनट का टास्क दिया गया कि अब सारा घर वापस सही करो। ये अच्छा है यार, मज़े का टास्क था, मुझे ओवरऑल मज़ा आया। उसके बाद बादशाह सलामत फिर आए, टास्क सफाई वगैरह भी की उन्होंने सारी अच्छे से। अच्छा जीतने के बाद दानिया ने जो स्पीच वगैरह दी, ये वो ऐसे फलाना ढमकाना, वो सिर्फ लेपा पोती कर रही है, ठीक है, ड्रामे कर रही है, दोगली पर्सनैलिटी है, मुझे वो समझ लग गई है। क्यूटनेस का मैंने उसको बेनिफिट दिया था पहले 2 हफ्ते, लेकिन बॉसी वो भी है, कंट्रोली वो भी है, ठीक है। जिसके बाद खाना वाना बना है मेरे ख्याल से, खाना तो बनने से पहले लाइट चली गई थी। हाँ बातें बातें कर रहे थे सारे अपना टाइम खाना बनने का, कि खाना बनाना क्या है, दाल चिकन बन रहा है, फिर
फिर बाद में बाहर जाके ये ड्रामे भी कर रही थी, जो है क्या नाम है, दानिया, अपना पॉइंट दे रही थी कि मैं ये करने वाली थी। नहीं, मतलब वही दोबारा अयाज वाला पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा से सारा बैठ के बात कर रही थी। चीज़ें दिखाई, फिर इनको दोबारा मिल गई, खाना बन रहा था, यही था सारा कुछ आज का एपिसोड। थोड़ा जल्दी में हमने इसको वाइंड अप किया है और वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज, मैंने आपको पहले बताया, 2-3 चल रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली समवन पास्ट अवे फ्यू फ्यू आवर्स अगो, एंड आई एम अबाउट टू गो देयर। तो काम काम होता है, ठीक है, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके लिए आसानियाँ करे, और जिनके भी अजीज़ों बाप दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और उनके अगले मरहले आसान करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। और सबके वालदैन उनके सरों पे कायम रहे, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिनके वालदैन हयात हैं, हमें सबको ताकत दे उनकी खिदमत करने की और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की। तो इसी अपनेपन के साथ हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ कुछ ही देर बाद। बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब।